सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने कई पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। महाराष्ट्र सेवा संयुक्त परीक्षा के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट mpsonline.gov पर जाना होगा। इन पदों से संबंधित जानकारियां आगे दी गई हैं। महत्वपूर्ण तिथियां, इन पदों के आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 अगस्त 2022 है। फीस जमा करवाने की तारीख 25 अगस्त 2022 है। परीक्षा का आयोजन नवंबर के महीने में होगा। इन पदों पर निकाली है भर्तियां। एमपीएससी के विज्ञापन के तहत ग्रुप सी श्रेणी में राज्य सरकार के विभागों में 228 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। पदों की विस्तार से जानकारी देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। आयु सीमा, इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 38 साल के बीच की होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। ऐसा होगा चयन। एमपीएससी ग्रुप सी परीक्षा के लिए 2 बार परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। पहली परीक्षा प्रीलिम्स की होगी, जिसमें 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी परीक्षा मेंस की होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऐसे करें आवेदन। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mpsonline.gov.in पर जाएं। यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और साइन अप करें। लॉग इन करें और पद के लिए आवेदन करें। आवेदन पत्र भरें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फीस भरें। क्या आपको कोई भी समस्या है? आपराधिक समस्या, राजनीतिक समस्या, सरकारी अत्याचार जैसी कोई समस्या, या आपका कहीं पैसा फंसा है? अगर आपके पास ऐसी कोई भी समस्या है तो हम आपको एक सोशल वर्कर ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, जो आपकी ऐसी परेशानियों को दूर करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, हम आपको इसी चीज के बारे में बता रहे हैं। आइए इसके बारे में और जानते हैं। न्यायिक समस्या, सभी आपराधिक, राजनीतिक, कानूनी तथा सरकारी अत्याचार और अन्यायिक समस्या की तकरार करें, आपकी फंसी रकम वापस मिलेगी। ऑल डिस्प्यूट्स, ऑल केसेस। कॉन्टैक्ट नंबर 2888-2288-2 7038888-7038703। ईमेल आईडी badebhaiindia@gmail.com। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमारे इसके समाचार यहीं पे खत्म होते हैं। आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक लिए सदैव सुरक्षित रहिए। हिंद।